चरखी दादरी जिले के झिंझर गांव निवासी सुनील फोगाट ने यूपीएससी में 77वां रैंक प्राप्त कर अपने गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सुनील फोगाट के अपने पैतृक गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्र से आए लोगों ने सुनील फोगाट का ढोल नगाड़ों और फूल वर्षा करके भव्य स्वागत किया। इस दौरान फल और मिठाइयां बांटकर इस दिन को झिंझर गांव में त्योहार की तरह मनाया गया। ICS कोचिंग सेंटर, वेयर हाउस रोड, MC कॉलोनी, चरखी दादरी। सर, मैं बहुत खुश हूँ इस मुकाम पे पहुँच के, और मेरे पूरे गांव की महाराज सुखानंद महाराज की आशीर्वाद रहा, मेरे मम्मी पापा का, दादा दादी का आशीर्वाद रहा, और सब जो गांव वाले सब लोग हैं उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा साथ दिया मेरा, और आज मैंने सफलता हासिल करके बहुत खुशी प्राप्त हुई है। सर, बहुत समय आता था बीच में, UPSC एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, और 3 स्टेज हैं इसमें, तुम प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कभी भी फेल हो सकते हो, और उसके बाद जो डिमोटिवेशन आती है, जो निराशा आती है, उस टाइम कोई भी नहीं रहता तुम्हारे साथ, पर मेरे पापा जी थे, वो मेरे को बार बार मोटिवेट करते रहते थे, मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते थे, उनको जो भी सोर्स मिलता था वो मेरे साथ शेयर करते थे और कहते थे कि एक दिन तू कर लेगा, बस तू तैयारी करता रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है वो अपना पूरा ध्यान और लगन से लगा रहे, एक न एक दिन उसको सफलता ज़रूर हासिल होगी। सर, UPSC एक डाइवर्स सर्विसेज है, जहाँ आपको पब्लिक का सेवा करने का मौका मिलता है, अपने लोगों के बीच में रहने का, उनके बारे में सीखने का मौका मिलता है, तो मैंने UPSC के लिए तैयारी करने की सोची, और मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखें और अपने देश के संवारने में अपना योगदान प्रदान करें, और जो भी हो, जितना भी हो, समाज की सेवा करें, यही मेरा कहना होगा। मैं सबसे पहला जो मेरा इश्यू रहेगा वो जो अपनी औरतें हैं, अपनी बहनें हैं, उनकी सुरक्षा इंश्योर करना, बिकॉज उनके अगेंस्ट क्राइम बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहूँगा, जो ऐसे सोशल एलिमेंट्स हैं जो उनको परेशान करते हैं। दूसरा, एजुकेशन पे ऊपर और हेल्थ के ऊपर, ताकि जो अपने आने वाली जनरेशन है वो बहुत आगे तक जा सके और अपना देश आगे बढ़ सके। गाँववासियों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, वो आए, मेरा सम्मान किया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, और मेरे गाँव ने हमेशा मेरा साथ दिया है शुरुआत से लेकर आखिर तक, और मैं आगे जितनी होगी मैं इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे भी, जैसे भी। सर, ये हमारे समाज का भी एक फेल्योर है, अगर हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, सरकार का भी फेल्योर है, और उस युवा को भी खुद सोचना चाहिए कि नशे ना करके अगर वो खेल कूद में भाग ले या फिर ऐसे पढ़ाई में हिस्सा ले, तो उसका परिवार वो खुद बहुत आगे निकलेगा, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा, नशे पते में न लग के अपना करियर बनाने की सोचें, और जितना आगे हो सके उतना बढ़ें।